बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति करीब करीब तय हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस ऐलान के साथ ही कि बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, सियासी आशंकाओं के सारे बादल छट गए हैं। इतना ही नहीं, नड्डा ने ये भी कहा कि जब जब बीजेपी जेडीयू और एलजेपी साथ आई है तब तब एनडीए ने जीत हासिल की है, इस बार भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए बीजेपी ने एलजेपी को भी भरोसा दिलाया है कि एनडीए में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होगा। एनडीए में दो बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पहला ये कि क्या बीजेपी नीतीश का चेहरा आगे करेगी। वैसे तो बीजेपी आलाकमान ये बात कई बार कह चुका था कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन राज्य में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी से संदेह पैदा हो रहा था, जिसे अब नड्डा ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। एनडीए की राह में एक और मुश्किल एलजेपी के रुख को लेकर है। चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं और खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये कहकर नड्डा ने उन्हें भी साधने का प्रयास किया है कि बीजेपी जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को साधने की कोशिश की है, जिन पर महागठबंधन की भी नजर है। जीतन राम मांझी का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी कैसे भी करके एलजेपी को अपने साथ मिलाने में जुटी हुई है। इसकी काट के लिए ही नड्डा ने ये बताने की कोशिश की है कि एनडीए में एलजेपी के साथ बराबरी का व्यवहार होगा और सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक में उन्हें भरोसे में लिया जाएगा। इस पूरी कवायद का मकसद बिहार में एनडीए के कुनबे को एक रखने का है, ताकि महागठबंधन को मात दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।